Hey, what's up everybody? My name is Karan and welcome back to my channel again. My channel name is Exam Tapri. आशा करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, अपना अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो देखो यार, अब कॉमेट के का जो था 22 तक, आज जो है लास्ट डेट है, और लास्ट डेट टू रजिस्टर फॉर काउंसलिंग एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। तो आज जो है वो लास्ट डेट है। तो अब बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या आई है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन है कि वेरीफाइड, वो अभी तक नहीं आया है। इसी पे आगे का डिस्कशन रहेगा। साथ ही साथ बता दूं, अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है कॉमेट के लिए और आप जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो इंडिविजुअल काउंसलिंग के लिए और मेंटोरशिप के लिए, तो आप उसके लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलो जी, अब देखो लास्ट डेट जो है वो है आज, और अगर अभी तक आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं या आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो चुके हैं, तो मैं इस वीडियो में वही आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि क्या उसका प्रोसेस रहेगा। अब देखो, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्या आई है कि उनके डॉक्यूमेंट्स जो है उन्होंने अपलोड तो कर दिए लेकिन उनके पास वेरीफाइड का नोटिफिकेशन नहीं आया। तो जिन भी बच्चों के पास वेरीफाइड का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो उनको तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसका नोटिफिकेशन 3 जुलाई से पहले पहले आ जाएगा, पहला। दूसरा, जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आज अपलोड करने हैं, आपने आज अपलोड किया और अब आपको स्टेटस पता नहीं है कि वो रिजेक्ट हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे, वो बच्चे हमारे पास, क्योंकि डेट्स क्या है अभी तक, वो स्टूडेंट्स डेट्स है 3rd of July। तो उससे पहले पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपलोड सक्सेसफुली हुए हैं कि नहीं हुए हैं, पहला। दूसरा ये कि अगर सक्सेसफुली अपलोडेड नहीं हुए हैं तो उसमें क्या कमी रह गई, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जस्ट एक क्या करना है, एक मेल कॉमेंट के को करना है, मेल के साथ उसका स्क्रीनशॉट आपको कॉमेंट के को मेल कर दो, और आपको क्या हो जाएगा, वो आपको बहुत आसानी से, आपको वहां पे बाकी चीजें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। ये होगी दूसरी चीज। तीसरी चीज, अगर आप लोग इंडिविजुअल काउंसलिंग के लिए हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो आप जुड़ भी सकते हैं। उसके लिए हम लोग आपको पूरा जो भी मतलब आपका सीक्वेंस जो है वो बना के देंगे कि कौन से कॉलेज प्रायोरिटी हो गई। इवन कॉलेज में भी जब आप जाएंगे उसका भी एक अलग ग्रुप हम लोग बना देंगे कि कौन कौन से कॉलेज आपके, कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो RV में जा रहे हैं, BMS में जा रहे हैं, रमैया में जा रहे हैं, वो भी उसमें अवेलेबल रहेगा। साथ ही साथ आप एंड तक जो आपकी मेंटोरशिप का पूरा रहेगा कि एंड तक, जब तक आप कॉलेज पहुंच नहीं जाते तब तक हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों से नहीं हुआ है तो आप एक बार हमसे जुड़ सकते हैं, और नहीं तो जो 3-4 चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं वो आप कर लें, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत आसानी से वेरीफाई भी हो जाएंगे, पहली चीज। और दूसरा ये है कि अगर स्टिल आप वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो कॉमेट के को आज ही कॉल लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ताकि जब वो कहें कि नहीं आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं और आपने सही टाइम पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे, तो आपके पास एक प्रूफ हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। माय नेम इज करण। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।